कुछ लोगों के आंखों में जल्दी पानी आ जाता, जल्दी इमोशनल हो जाते, रोना आ जाता, या कभी कभी एकदम गुस्सा करेंगे या ज़्यादा चिड़चिड़ापन करेंगे, ऐसे बहुत मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो उसके बारे में मैं आज बातचीत करना चाहूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ, महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर EUPD नाम की एक बीमारी है। इसमें होता क्या है कि अति तीव्र भावना होती रहती है, एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, ऐसे एकदम, और कभी अच्छा भी लगेगा, प्यार भी आएगा बहुत ज़्यादा, अति तीव्र भावना है। और यह कुछ घंटे या कुछ दिन चल सकता है, एक बार वैसा हो गया तो। इसमें गुस्सा आता है, फिर कभी कभी ये इम्पल्सिवली कुछ तोड़ फोड़ कर देंगे, फेंक देंगे इधर उधर गुस्से से, या कभी एकदम शांत हो जाएंगे, विड्रॉ हो जाएंगे, फिर कभी लोगों के ऊपर चिड़चिड़ापन करेंगे, खुदकुशी करने की कोशिश करेंगे। ये लोगों के रिश्तों में दूरी आती है, ये क्लोज नहीं हो सकते किसके, उनके मतलब ये वॉल खड़ी कर देते हैं लोगों के बीच में और अपने बीच में, इनका लोगों से पट्टा नहीं। और लोगों के बारे में ये अपने मत जो है वो फटाफट बदलते रहते हैं, और इससे भी उनका पट्टा नहीं है, खालीपन रहता है, निराशा है, ऐसे चालू रहता है। और इसका ट्रीटमेंट होना जरूरी है, क्योंकि ये खुद को भी उसको तकलीफ है और लोगों को भी तकलीफ होती है। इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको थोड़ा सा भी किसने कुछ बोल दिया तो एकदम आंखों में से टचकन पानी आ जाता है, या किसने इमोशनली कुछ बोल दिया तो एकदम आंखों में पानी आता है, किसने कुछ गुस्सा कर दिया तो फटाक से पानी आता, मतलब बार बार रोना आएगा और बार बार दुखी हो जाएंगे, या बार बार बहुत ही यानी हाइपर सेंसिटिविटी, कुछ भी किसने बोल दिया तो इनको रोना आ जाता। तो ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं इमोशनली बहुत ही अनस्टेबल। अब इनका इलाज कैसे करना है? इनका इलाज दो तरह से होता है। एक है इन पेशेंट ट्रीटमेंट, मतलब भर्ती करो हॉस्पिटल में और स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में उनको हम थेरेपी देते हैं, नार्कोथेरेपी करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, 1-to-1 थेरेपी होती है, ग्रुप थेरेपी होती है, फिर योगा करवाते हैं, हिप्नोथेरेपी करवाते हैं, और ऐसे सारा है देते हैं मेडिसिन्स में, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअप्टिक इनहिबिटर्स, और उनको काफ़ी फर्क पड़ जाता है। यदि उनको आउट पेशेंट रहना है, मतलब OPD में आना है, डे केयर में, तो सवेरे आना, शाम को वापस जाना, और उसमें फिर टॉकिंग थेरेपी है कि बातचीत करो, बातचीत करके अपने मन के भाव निकालो, और उनको हम बोलते थिंक अबाउट थॉट्स, मतलब थिंक अबाउट थॉट्स होता है, और वैसे ही उनको बोलते हैं फिर कि आप आपके इमोशंस आइडेंटिफाई करो और एग्जैक्टली देखो कि आपको फीलिंग क्या हो रहा है और ये कहाँ से शुरुआत हो गई, ये कौन से थॉट से शुरुआत हो गई फीलिंग की, और उसका बॉडी के ऊपर कैसा असर हो रहा है, तो ये भी देखो। फिर हमको सिखाते हैं कि डिस्ट्रेस टॉलरेंस सीखो, टॉलरेंस सीखना चाहिए ना कि अपने मन जैसा कुछ नहीं हुआ है और डिस्ट्रेस में आ गए या स्ट्रेस में आ गए तो उसको टॉलरेट करते आना चाहिए, तो वो उनको सिखाते हैं। फिर डीप ब्रीदिंग सिखाते हैं, एक्सरसाइज करने लगाते हैं, रूटीन एक्सरसाइज करना है, बहुत अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज किया तो बहुत अच्छा लगता है, और अपने बारे में खुद को एक अच्छापन महसूस करने लगाते हैं कि भाई जो अपने को मैं कुछ काम का नहीं हूँ, आई एम वर्थलेस, मेरी कोई कीमत नहीं है, मुझे कोई कीमत देता नहीं है, मतलब इस तरह के जो डायलॉग है बदल के, नहीं मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एनीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर देम, ऐसे अफर्मेशंस उनको देने लगाते हैं। ऐसे सारा है नेचुरली, जब एंटी डिप्रेशन देते हैं ऐसे सारा है के लो डोसेस, तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो ये जो इमोशनली अनस्टेबल या बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हैं उनको ट्रीटमेंट संभव है, और ये ट्रीटमेंट से अच्छे हो सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, बहुत लोग ऐसे उनको फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।